वाह, आज से पहले कस्तूरी की चाट खाने से पहले भी पूछ के जाती थी, आज पिक्चर बिना पूछे जा रही है। तुझे भी पिक्चर जाना है मैया? पर मैंने तो 5 ही टिकट कराई है मैया। कन्हैया जी, कोई बात नहीं, मैं ना मम्मी जी की गोदी में बैठ के पिक्चर देख लूंगी आराम से। ठीक, गोदी? भैया, सिर्फ 5 टिकटें? इसका मतलब? अरे 5 टिकटें इनकी कराई है, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो बस इन्हें बाहर तक छोड़ने जा रहा हूँ। बाहर तक? मेरी बहुएं रात में जा रही है, वो भी अकेले? मैया, मैं तो थका हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं जाकर क्या करूंगा, इसलिए ही देखाएंगी, कोई बच्चियां थोड़ी है जो अकेले नहीं जा सकती। हाँ हाँ, चलो चलो निकलते हैं, फिर पिक्चर छूट जाएगी ना। और सासु माँ, आप चिंता मत कीजिए, आकर ना हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। अब आप लोग कब तक वापस आ जाओगे? पिक्चर खत्म होगी कुछ 11:30 बजे, तो हम 12:30 बजे तक आ जाएंगे। सावा उतरे अम्यूजो, पिक्चर हॉल में पिक्चर, कितना मजा आएगा। मैं अपने पिता नहीं आजी, मैं ना इंटरवल में समोसा खाऊंगी। दीदी, मैंने आपके लिए अखरोट, बादाम और मुनक्के पर्स में रख लिए हैं, और दूध की थैली भी रख ली है, मैं वहीं आपके लिए मुनक्के डाल के गर्म दूध भी बना दूंगी। एवं उष्णतप फदक फदक मकई दाने के सेवन हेतु भी हमारा मन अत्यंत व्याकुल है। उष्णतप फदक फदक मकई दाना यानी कि पॉपकॉर्न, दीदी को पॉपकॉर्न भी खानी है कह रही है दीदी, और दीदी को खानी है तो मुझे भी खानी है। पंजीरी, मैंने तुम्हारे पर्स में 2,500 रुपए रख दिए, जिसे जो खाना हो खूब खाना। अरे मैया, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, मैंने वो 2,500 रुपए निकलवाए थे इन्हें देने के लिए, अब खा लेंगे अपना जो खाना होगा, जा रही हूँ घूमने। वाह लल्ला, आज से पहले तो 250 रुपए भी लेने से पहले पूछ लेता था, आज 2,500 देने के बाद बता रहा है। लगता है मैया का पारा चढ़ रहा है। कुंती, हवा बदल रही है, तेरे मौन व्रत से तो घर में आजादी का नशा फैल रहा है। कुंती, लगता है विपरीत मानसिकता का तरीका काम कर रहा है, माँ जी को गुस्सा आ रहा है। पर निकल आए हैं इन सब के तो। लगता है अब हमें निकलना चाहिए। चलो। गुस्सा सर चढ़ रहा है मैया के, लगता है भड़कने वाली है मैया। आ रहा है गुस्सा मैया को, आ रहा है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बहुओं, आखिर मैया ने बोल दिया, टूट गया मैया का मौन व्रत। दीदी की तरफ से आप सबको बधाई हो, माँ जी ने मौन व्रत तोड़ लिया। मैया बोल पड़ी मैया। बहुओं, बहुओं, एक मिनट, मम्मी जी ने कहा है फल मूल के फल, वो क्या है ना, दरअसल मम्मी जी ने आप लोगों को रोका नहीं, वो तो ना मैंने अपने फोन में मम्मी जी की आवाज बहुत पहले रिकॉर्ड की थी, अब मम्मी जी कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए मैंने उनकी आवाज की रिंगटोन बना ली, ये तो वो ही था। बहुओं, इतनी आसानी से मैं अपना मौन व्रत नहीं तोड़ूंगी, जाओ जो आवारा गर्दी करनी है कर। मैया, मामी जी, मामी जी, मामी जी, मामी जी,
देखो सासू माँ का मौन व्रत तुड़वाने का ये तरीका भी फेल हो गया। लो, हम लोग मौन व्रत लेके क्यों बैठे हैं? मौन व्रत तो मम्मी जी का है ना, हमारा नहीं। परी, हम सब यहाँ दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग लगाना है? कौन सी भी बात है, मुझे बताओ, मैं लगा देती हूँ। मेरा मतलब परी, हम सब सोच रहे हैं कि माँ जी का मौन व्रत कैसे तुड़वाया जाए। रेमा, चनी, तुम क्या ये चनी लेके बैठी हुई हो? अब क्या बताऊँ प्रेमा, सब पॉपकॉर्न किए जा रहे थे, इसलिए मेरा भी मन ललचा गया पॉपकॉर्न खाने का, लेकिन पॉपकॉर्न तो हमें नसीब ही नहीं हुए, इसलिए मैंने सोचा इन चनों से काम चला लूं। पंजीरी चने? लेकिन दीदी के दिमाग में तो कोई तरीका नहीं आ रहा, और दीदी के दिमाग में नहीं आ रहा तो समझो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। कदवरियों नु फेर, ऐसा क्या करे जो एक सास कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती? कि उसकी पड़ोसी के पास उससे महंगा सोने का हार हो। चने? नहीं, मैं तुमसे थोड़ी ना पूछ रही थी, मैं तो प्रतिभा से पूछ रही थी। प्रतिभा? चने? नहीं, अभी चने खाने की नहीं, बादाम खाने की जरूरत है हम सबको, तभी तो सोच के देख पाएंगे कि सासू माँ का मौन व्रत तुड़वाए कैसे। चने? अरे नहीं खाने चने। अरे तुम सब डांट क्यों रहे हो, मैं तो कह रही थी खत्म हो गए चने। अच्छा, परी ये लो। लो, जब चने थे तो पूछा था ना, तब तो खाने नहीं थे, अब जब खत्म हो गए अब तुमको चने खाने हैं। माते, चने नहीं पेपर लाओ। ये लो। आपसी झगड़े के चलते पुलिस के हाथ लगे दो बदमाश घेरो। पुलिस? हम माँ जी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाने वाले हैं मौन व्रत तुड़वाने के लिए। तो क्या बदमाश गिरोह से धमकी दिलवाएं? अरे नहीं, ध्यान से पढ़ो। आपसी झगड़े के चलते पुलिस के हाथ लगे दो बदमाश गिरोह। मैं समझ गई। मतलब हम मम्मी जी को बदमाश गिरोह में शामिल कर देंगे। कितनी क्यूट लगेंगे ना। दुक 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 दुक। नहीं नहीं नहीं, झगड़ा सोच के देखो। सासू माँ घर में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बहुओं के बीच झगड़ा देखते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मतलब हमें सासू माँ के सामने जम के झगड़ा करना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली की तरह। फिर देखना, हम सबको रोकने के लिए सासू माँ अपना मुंह जरूर खोलेंगी। हाँ हाँ, तो तुम सब चल लो, तुम्हें कुत्ता बनना है या बिल्ली? वैसे मैं तो कुत्ता ही बनूंगी, पता है क्यों? क्योंकि ना मैं कुत्ते की बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हूँ, करके दिखाओ। वैसे ना मैं ना डबल रोल भी कर सकती हूँ, कुत्ता भी बिल्ली भी। म्याँ। म्याँ। लेकिन दीदी और झगड़ा, दीदी के मुंह से तो आशीर्वाद और भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं निकलता। दीदी, भोली की दीदी। दीदी नाटक है ना, तो जरूर हमारा साथ देंगी, देंगी ना? लेकिन हम सब तो आज तक टीवी रिमोट के अलावा किसी बात पे झगड़े ही नहीं, तो झगड़ेंगे किस बात पे? अरे प्रेमा, झगड़ने के लिए भी कोई वजह चाहिए, सब हो जाएगा, हो जाएगा। ये, इसका मतलब हम सच्ची में झगड़ा झगड़ा खेलेंगे। परी, नहीं नहीं नहीं, तुम इस झगड़े वाले नाटक से दूर रहना, नहीं तो दो मिनट में मां जी को पता लगवा दोगे कि हम सब नाटक कर रहे हैं। परी, तुम क्या करना, पॉप चने चने खाते खाते सारा नजारा देखना बैठे बैठे, ठीक है? ठीक। तो तय रहा, कल सुबह घर में वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, चार दीवारों के अंदर बहुओं के बीच झगड़ा। कौन सा जानवर है? कुत्ते को खांसी हो गई है।
अरे कहाँ रह गई ये पंजीरी, अब तक चाय नहीं लाई। ससुमा पान लागू ससुमा, जब से आपने बोलना बंद किया है ना, घर में कितनी शांति है। हम तो कहते हैं जब तक हो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधा हम बोलेंगे आपके चौथे पे। अरे आपकी याद में दो शब्द, खुशी की बात यह है कि वो सुनने के लिए आप नहीं होंगी। ये मौन व्रत रख तो लिया है लेकिन इसका नुकसान बहुत है। दो दिन से मन कर रहा है भगत हलवाई की बालूशाही खाने का, पर उसे बोलूं कैसे। दामाद जी आप ही ले आओ मेरे लिए भगत की बालूशाही। अच्छा आप भी, अरे कुसुम का गला दबाने। अरे 4 साल से यही सोच रहे और तो मुंह का बात छिल लिए। मतलब आपको खाना खिला के छत से धक्का दे दें। सासुमा बद्रीनाथ का प्रसाद खाना है, अगर हमेशा के लिए जाओगे तो हम छोड़ के आएंगे, बोलो। अरे अब कैसे समझाऊं दामाद जी को। अरे कुंती ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुंह से नहीं बोल सकती पर हाथ से लिख तो सकती है। अरे सासुमा सासुमा इतनी सी बात पे फिनाइल की गोली खा लोगी क्या? अरे 2 लीटर पानी ज्यादा पीना असर करेगा। सासुमा फिनाइल की गोली घुसल खाने में है ना। कागज खाओगी? ऐसे कागज खाने से दांत चमकता है, नहीं बोलो ना योजना क्या है। ओह ये देखो बचपन से इतना पढ़ने पे ध्यान देती तो हर विषय में फेल ना होती। दामाद जी भगत हलवाई की बालूशाही चाहिए। तेरी क्या लाभ 5,000 रुपए। पांच हजार काहे, बालूशाही तो 200 रुपए की आती है। अरे सासू मां पिछले 1 साल से उधारी भी तो चुकानी है, कल भी बस पे जा रहे थे ना कोई पीछे से एक फाइट मार, आ पीठ कड़क गया, जरूर उसी का आदमी होगा। दोस्त ले आते हैं वो फिनाइल की गोली देख लेना। वाह भोले ये तरीका अच्छा है, अब जिससे जो कहना होगा ना वो लिख के कहूंगी। पंजीरी कहाँ है वूफ़ा? ये क्या घटिया कॉफी बनाई है तुमने? तुमसे कितनी बार कहा है कॉफी में इतनी चीनी मत डाला करो। अरे कॉफी नहीं है ये मीठा शरबत है, पता नहीं तुम्हारे अंदर कुछ अकल वकल है भी या उसको भी सब्जी के छिलके की तरह कचरे में डाल दिया। खबरदार प्रेमा भाई खबरदार कुछ उल्टा पुल्टा कहा तो। देखो ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे। क्यों ना करूं? हाँ एक तो कुछ बना के दो, ऊपर से कमियां निकालती हो। हाँ तो क्या इतनी घटिया कॉफी बनाने के लिए इनाम दूं तुम्हें? हाँ हाँ जैसे खुद को तो बड़ा कुछ बनाना आता है, एक पानी तो गर्म किया जाता नहीं है, बस कमर में बेल्ट लगा के मटकाती हुई घूमती हो। हाँ देखो पंजीरी बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी नहीं। क्यों क्यों भोली? अरे 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 आप लोग लड़ क्यों रहे हो? प्रतिभा ये कितनी खराब कॉफी बनाई है इसने, तुम्हें घुट पी के देखो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। पता नहीं किसने कह दिया इसको ये सबसे अच्छा खाना बनाती है। प्रेमा बहन इस प्रकार कुशब्दों का उच्चारण
निषेध। प्रेमा बहन ऐसे मत बोलो, कह रही है दीदी। पूर कुमार दबरे पा, क्यों ना बोलो इसे। ए, खबरदार, मुझे जो कहना कह लो, लेकिन दीदी की तरफ उंगली उठा के मत दिखाना, कह देती हूँ मैं। हाँ, तुम्हारी दीदी तो जैसे मेरठ की महारानी है ना, जो सारी दुनिया इनके पैर छुएगी। प्रेमा तुम भड़क क्यों रही हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा, मैं भड़क रही हूँ और ये जो चिल्ला रही है वो नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? तुम्हें क्यों दिखाई देगा, खाना जो बना के खिलाती है ना तुम्हें, तुम क्यों इसकी बुराई मोल लोगी? पंजीरी, गलती तुम्हारी भी है, गलती तुम्हारी। और देखो मैं यहाँ किसी की तरफदारी करने नहीं आई हूँ, है ना माँ जी? माँ जी कुछ बोलिए इन्हें। हाँ हाँ हाँ, तुम क्यों किसी की तरफदारी करोगी, सोच के देखो, तुम तो हो ही थाली की बैगन, कभी वहां तो कभी यहां, है ना माँ जी? बोलिए से। दीदी ये पढ़े लिखे लोग ना होते ही ऐसे हैं। अच्छा है आपको बीए में सिर्फ 100 में से 35 नंबर आए थे, और आपके आशीर्वाद से मैं तो लुढ़क ही गई थी। लुढ़क गई थी, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे राष्ट्रपति जी आएंगे और खुद अपने हाथों से तुम्हें इनाम देंगे। पंजीरी, बीए में फेल होकर तो तुमने देश का नाम रोशन कर दिया। हमारे घर में महाभारत चल रहा है। और पंजीरी, रसोई में सिर्फ करछी बेलन चलाने से काम नहीं चलता है। अगर मैं रसोई में करछी बेलन नहीं चलाऊंगी तो क्या तुम चटनी अपने किताबों में लगा के उसके पन्ने खाओगी? एक कप चाय तो बनाई जाती नहीं है तुमसे, और चली सबको पिया चुड़ी करवाने। बस पंजीरी, मेरी किताबों पर मत आना। बोलना शुरू भी नहीं किया है। तुम्हारी दीदी चुप रहे तो ही अच्छा है, वैसे भी समझ में किसको आता है। बस हाँ प्रेमा, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अरे फ्रेंच में कश्यू द्वैप पुष्का दिया, अरे सब पर जूस निकाल के रखा है। तुम ना अपना फ्रेंच का बैंड बाजा बंद ही रखो तो अच्छा है। हाँ तो तुम भी कोई कसीदे नहीं पढ़ती हो, सारा दिन सोच के देखो करती रहो, जाके अपनी शक्ल देखो आईने में, गिलहरी कहीं की। गिलहरी, तुम जाके अपनी शक्ल देखो छिपकली। छिपकली किसे बोला? गिलहरी किसे बोला? तुम्हें। तो मैंने भी तुम्हें बोला। सासू माँ, सासू माँ आप ही बताइए पहले गिलहरी किसे बोला, बोलिए। इसने मुझे पहले छिपकली बोला था ना? नहीं, इसने बोला था। आप बताएं ना, बोलो माँ जी, बोलो बोलो। इसने मुझे पहले बोला था। चिल्लाओ मत भाभी। मैया ने कब लिखा? क्या है ना, जब इन लोगों का डेली सोप चल रहा था ना, तब मम्मी जी का लेखन चल रहा था। वाह मम्मी जी, वाह वाह। प्रेमा बहन, तुम क्या बंदरिया की तरह हंसे जा रही हो? खबरदार, जो मेरी दीदी को बंदरिया बोला तो तुम दोनों का बोरिया बिस्तरा उठाकर जंगल में छोड़ाऊंगी, क्या समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? बंदरिया, चार बार तो तुम ही बंदरिया बोल चुकी हो पंजीरी, चुईया कहीं की। और तुम क्या हमें घर से बाहर निकलवाओगी, तुम्हें तो हम निकाल देंगे। वैसे भी अब कोई रोकने वाला तो है नहीं, क्योंकि सासू माँ तो बोलती नहीं है और ये पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं है, बीए फेल जो ठहरी। शांत प्रतिभा बहन, शांति धारण करें, अन्यथा हमें अनिच्छा पूर्वक भविष्य आपका प्रचंड नाश करना होगा। चुप हो जाओ प्रतिभा बहन, वरना दीदी श्राप दे देंगी, कह रही है दीदी। चप्पड़ चप्पड़ बंद करो, कह रही हूँ मैं। अरे शर्म करो, कह रही है सास। मैया, तेरे बोलने का तो कोई असर नहीं हो भाभियों पे, पता नहीं कौन से भूत सवार हैं इन पे।